शुभ प्रभात बच्चों, सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थ पाठ, जिसका नाम है कल्प तरु यानी कल्प वृक्ष। तो हम पढ़ेंगे पहले इसका पाठ परिचय। प्रस्तुतो अहम पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहार्थ संपादनम कृत्वा संग्रह अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ कथा संग्रह से लिया गया है। अत्य मनोरंजक घटा भी विस्मयकारी घटना ना भीष्य जीवन मूल्यानाम निपूर्णम वर्तते, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निपूरण किया गया है। अस्याम कथायाम पूर्व कालात एव स्वगृह उद्यान स्थित कल्प वृक्षेण जीभूत वाहन लौकिक पदार्थानाम न याचते। इस कथा में जीभूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकारणयाम वरम याचते। वो जो कल्प वृक्ष था उससे जीमूत वाहन सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्थ जल तरंग गवातः अनित्या संति, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोष्टकृतं चिरस्थायी तवम अस्ति। केवल परोपकारी है जो कि सर्वश्रेष्ठ है और इस संसार में चिरस्थायी रूप तत्व माना गया है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों कि जो धन है, ये धन जो है ये पानी और लहर के समान होता है जो कि पल भर में ही नष्ट हो जाता है, लेकिन हम जो परोपकार के कार्य करते हैं तो वह जीवन पर्यंत तक उन्हें याद किया जाता है। तो अब हमें ये छोटी सी कहानी है बच्चों, तो अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः, सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। अर्थात हिमालय जो है वहाँ पे सभी प्रकार के रत्न प्राप्त होते हैं। रत्न यानी सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ आदि। तस्य सानो उपरी विभावती कंचनपुरम नाम नगरम, उसके सीकर पर एक कंचनपुर नामक नगर सुशोभित था। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वस्ति स्म, वहाँ कोई जीमूत केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृह उद्यानों कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित, उसके गृह उद्यान यानी बाग यानी घर के आंगन में
वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जिमूत केतु तम कल्प तरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधित सत्वात् संभवम्। जिमूद्वाहनम नाम पुत्रम प्राप्तो नोत। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प तरु की आराधना करके उसकी कृपा से बोधित सत्व के अंश से उत्पन्न जिमूद्वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। अर्थात कहने का मतलब है कि जो वो कल्पतरु जो वृक्ष था, तो उस राजा ने उसकी आराधना की और उसकी आराधना करने से बोधिसत्व के द्वारा या उसके अंश से उसने जिमूद्वाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। सह जिमूद्वाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति दयालु था। तस्य गुणै प्रसन्न स्वसंचित वै प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवन राज्यम अभिशिष्टवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने उस समय कुछ समय बाद जवान हुए उस जिमूद्वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। यानी कि जो जिमूद्वाहन जो उसका पुत्र था, वह उसके अंदर बहुत से गुण थे और वह जवान भी हो चुका था और मंत्रियों आदि की सलाह से उसे जो है उसके पिता ने युवराज बना दिया था या उसका राज्य अभिषेक कर दिया था। कदाचित हितेशिणी पितृमंत्री युवराज राज्यम स्थितम तम जिमूद्वाहनम उक्तवंत। युवराज रहते हुए जिमूद्वाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता के समान मंत्रियों ने कहा युवराज। यानी कि उसके साथ जो उसके जो भी मंत्री वगैरह थे जो उसका हित चाहते थे, उन्होंने एक बार जिमूद्वाहन से कहा युवराज यो अहम सर्व कामाद कल्प तरु तवो उद्यानम तिष्ठन्ति स तव सदा पूज्य। तुम्हारे बाग में यह जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु स्थित है, अस्मिन् अनुकूले स्थित सति शुक्रो अपि अस्मान् वादितुं न शक्नुयाता शक्नुयात इति। कि इसके अनुकूल रहते हुए भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो ये कल्प तरु जो वृक्ष है, ये हमारे घर के आंगन में है, इसके रहते हुए हमें जो इंद्र देवता है वे भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। यानी कि वो भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ, एतत् आकारण्य जिमूद्वाहनम अचिंत्यत अहो ईदृश्यम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृश्यम फलम किमपि न प्राप्तम। कि यह सुनकर जिमूद्वाहन ने मन में सोचा अहो खेद है
ऐसे अमर पेड़ यानी कल्पतरु को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इनसे ऐसा कोई महान फल प्राप्त नहीं किया। यानी कि जीवूत वाहन जो थे उन्होंने सोचा कि हमारे गृह उद्यान में इतना मतलब अमर पादप लगा हुआ था, फिर भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इनसे कोई भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चित् देव कृपणई कश्चित् अपि अर्थित अपितु कृपणतावश यानी लोभवश केवल तुच्छ यानी मतलब धन ही अपने लिए मांगा। मतलब जो भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने केवल कृपण यानी थोड़ा सा ही उस अमर पादव से धन मांगा। तद अहम अस्मात् कल्पतरु अभिष्टम साध्यामि इति, तो मैं इससे अपनी अभिष्ट मनोकामना की सिद्धि करूंगा। एवं आलोच्य स पितु अंतिकम अगच्छत, इस प्रकार सोचकर पिता के समीप आया। आगत्य च सुखाम सिनम पित्रम एकांते निवेद्यते तात, और आकर सुखपूर्वक बैठे पिताजी से एकांत में निवेदन किया। तात यानी पिताजी, त्वं तु जनासि एव यद् अस्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदं सर्वं धनं विचित्वत् चंचलम। तो इस प्रकार से वह जो है अपने पिताजी के पास आया और सुखपूर्वक बैठे एकांत में पिताजी से उसने निवेदन किया कि पिताजी, आप तो जानते हैं कि, क्या कहा उसने कि पिताजी आप तो जानते हैं कि इस संसार सागर में देह यानी शरीर के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जो है जल तरंग की भांति चंचल है। एकः परोपकारः एव अस्मिन् संसारे अनस्वरम यो युगांत पर्यंतम यश प्रस्तुते, कि जो धन है वो तो चंचल तरंगों के समान है, लेकिन जो परोपकार है यह इस संसार में हमेशा शाश्वत और अमरशील है, युगों युगों तक यश प्राप्त करने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो परोपकार है वह हमें युगों युगों तक यश प्राप्ति प्रदान करता है। तद अस्मिन् ईदृश्य कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हो। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, यशश पूर्वयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिते ते इदं कुत्र गता, और मेरे पूर्वजों ने इसको यह मेरा है आग्रह के साथ रक्षा की है, अब वे कहाँ गए। तेषां कस्यायम अश्वा के ते, और यह कल्पवृक्ष उनमें से किसका है, और कौन है वे
इसके तस्मात परोपकाराई परोपकाराई फल सिद्धई तव्या आज्ञाम इमम कल्प पादपम आराध्यामी। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की क्या करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ। फिर अथ पिता तथा इति अभयनुज्ञातः स जिमूतवाहनम कल्पतरुम उपगम्य उवाच देवई। तो इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति पाकर वह जिमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर बोला, तव्या अस्मात् पूर्वेशाम अविश्राम कामा पूरिता तन्मेकमम कामम पूर्यत, कि अपने आपने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है, अब मेरी भी एक कामना को पूरी करें। तो वह जिमूतवाहन जो होता है वह कल्प तरु वृक्ष के पास जाके क्या कहता है कि आपने हमारे पूर्वजों की इच्छाओं को पूर्ण किया है, तो आज मेरी भी इच्छा को आप क्या करें, पूरी करें। यथा पृथ्वी म आदृतताम पश्यामी तथा करोति देव इति। अब वो उसकी क्या इच्छा है कि उसकी ये इच्छा है कि पृथ्वी पर जितने भी दरिद्र हैं जितने भी गरीब हैं जितने भी गरीब हैं आप कुछ ऐसा कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि इस समस्त धरती पर निर्धनता दिखाई ना दे। एवं वदानीम जिमूत वाहने त्याजत इस्त्वा एसो अहम यतो अस्मिन इति वाक तस्मा तरु उद्भूत। जिमूत वाहन के ऐसा कहने पर जिमूत वाहन के ऐसा कहने पर उस कल्प तरु से यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं जा रहा हूँ ऐसी वाणी निकली। फिर षडेन च स कल्पतरु दिवं समु उत्पत्त्यां भूमि तदा वासुनि अवर्षत यथा न कोऽपि दुर्गतम आसीत। और षडेन थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की बारिश की जिससे कोई भी वहाँ दरिद्र नहीं रहा। तदिस्तस्य जिमूत वाहन से सर्व जीवानुकंपायां सर्वत्र यश प्रथितम। इसके बाद से उस जिमूत वाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। तो ये हमारी जो कहानी थी छोटी सी वह पूर्ण हो गई। तो हमें इस कहानी से बच्चों क्या शिक्षा मिलती है कि हमें धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। धन क्या है, धन तो आता है और चला जाता है। अगर हम इस संसार में कुछ कार्य करना चाहते हैं तो परोपकार के कार्य करें, क्योंकि परोपकार हमेशा स्थायी रहता है और परोपकार के द्वारा हमें याद भी किया जाता है। तो अब इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने हैं बच्चों, प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ये है चतुर्थ पाठ, इसके कठिन शब्दार्थ में देखो, हिमवान यानी हिमालय, नगेंद्र पर्वतों का राजा, सानो
सीकर के चोटी के कुल क्रमागत कुल परंपरा से योगराज्य युवराज के पद पर शक्र इंद्र अर्थित मांगा अंतिगम पास में ग्रंथिकम प्रसिद्ध हो गया। फिर है विचित्वत तरंग की तरह अभयदुज्ञात अनुमति पाना या पाया हुआ अदरिद्राम दरिद्रता से रहित संपन्न दिवम स्वर्ग वासुनी धन उपगम्य पास में जाकर दुर्गत पीड़ित निर्धन सर्व जीवानुकंपाए सभी जीवों के प्रति कृपा से। इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत जीभूतवाहन कश्य पुत्र अस्ति। जीभूतवाहन जो था किसका पुत्र था जीमूत केतौ। संसारे अस्मिन् क अनश्वर भवति परोपकार यानी कि संसार में क्या है जो नष्ट नहीं होता है परोपकार। जीभूत वाहन परोपकार फलई सिद्धि कम आराध्यति। परोप जीभूत वाहन ने परोपकार के लिए किसकी आराधना की तो कल्प पादन पादपम कल्प वृक्ष। जीमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपाय सर्वत्र किम प्रथितम यानी जीमूत वाहन का सभी जगह क्या फैला तो यश। कल्पतरु भूमि भूवि कानी अवश्यत तो वह सोनी यानी धन यानी कि कल्पतरु ने भूमि पर किसकी वर्षा की तो वसुनी यानी धन। इसके बाद में फिर आपको एक वाक्य में प्रश्न उत्तर करने हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विवाति इसमें यानी कि कंचनपुर जो नाम का नगर था वह कहाँ पे था हिमवत सीकरे विवाति। जीभूत वाहन कीदृश्य आसीत महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत। कल्पतरो विशिष्ट मा आक्रम्यम जीभूत वाहन किम अचिंत्यत अहम ईदृश्यात अमर पादपा अभीष्टम मनोरथम साध्यामि इति। हितेशिणी मंत्रीण जीमूत वाहनम किम उक्तवंत तो इसका उत्तर हो जाएगा युवराज यो अहम सर्व कामात कल्पतरु तव उद्यानम तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं शक्नुयत् इति। जीमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच अर्थात जीमूत वाहन कल्पतरु के पास गया और क्या बोला। जीमूत वाहन कल्पतरु उपगम्य उवाच दैव तव्या अस्मात् पूर्वसाम अभिष्टा कामा पूर्यता तन्मेकम कामम पूर्यत पूर्य यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यानी देव जीमूत वाहन कल्पतरु के पास जाकर क्या बोलता है कि आपने हमारे पूर्वजों की सारी इच्छाओं को पूर्ण किया तो अब आप मेरी भी इच्छा को पूर्ण करें और मैं ये चाहता हूँ कि पृथ्वी पर कुछ आप ऐसा करें कि पृथ्वी पर जो दरिद्रता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। फिर तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि मतलब यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं तो इधर आपको संज्ञा शब्द लिखना है
किसके लिए आए हैं? तो तस्य सानो रूपी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, यानी हिमवते। राजा संप्राप्त युवनम तम युवराजे अभिषित्वाम जिमोद्वाहनम अहम तब सदा पूज्य। तो अहम आया है, अयम आया है यहाँ पे कल्पतरु के लिए, तवम पिता जिमूत केतु के लिए आया है। इसके बाद में अधो लिखितानाम पदानाम पर्यापदम पाठात चित्वा लिखन। आपको पर्यायवाची लिखने हैं, पर्वतः नग इंद्रः शक्र इचितम अभिलाषितम धरित्रीणम पृथ्वीम वाणी वाक भूपति राजा धनम वसु समीपम अंतिकम कल्याणम हितम और वृक्ष तरु। अब है आपका गृह कार्य। ये जो सारे सवाल हैं ये आपको गृह काल में करने हैं। पांचवा सवाल है, कह स्तंभे विशेषाणी ख स्तंभे च विशेषाणी दत्तानी तानी समुचितम योजयते। क स्तंभ और ख स्तंभ है, इसको आपको मिलान करना है। तो जो पहला किससे मिलेगा तो वो आपको मिलाना है, दूसरा किससे मिलेगा, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर दूसरा है, स्थूल पदांतिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है ना, तो आपको इसको प्रश्न बनाना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा, किम आएगा, कि कस्य आएगा। अब जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ जो उत्तर आएगा वो लिखना है और पीछे वाला वैसा का वैसा लिख के और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ, तो इस बार आप ये स्वयं करेंगे प्रश्न निर्माण। इसके बाद में आपको स्वरितम तुभ्याम स्वरितम शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एमेव कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुजय रिक्त स्थानानि पूरयत। अब कोष्ठक में जो शब्द लिखे हैं इसकी आपको क्या लिखनी है, चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, आप स्वयं लिखेंगे। फिर है लास्ट सवाल है सातवां, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुजय रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें आपको कोष्ठक में जो दिए हुए हैं शब्द उसकी षष्ठी विभक्ति आपको लिखनी है। तस्य षष्ठी विभक्ति आएगी ग्रह की, उद्याने कल्पतरु आसीत। सह पितृ की षष्ठी विभक्ति लिखोगे अंतिकम अगच्छत। फिर जिमूद्वाहन की षष्ठी विभक्ति, उसकी फिर किम की षष्ठी विभक्ति। ये जो सेंटेंस है ये सब आपकी बुक में आए हुए हैं, तो इसका उत्तर आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा। बस ये वाली लाइन ढूंढोगे तो आपको ग्रह की षष्ठी विभक्ति आपको बुक में ही मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये जो है गृह कार्य है वो आपको करना है। तो आज हमारा जो ये कल्पतरु जो पाठ था, कल्प वृक्ष वाला, ये क्या बच्चों पूरा हो गया है। अब अगर इस पाठ में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डाउट क्लास में आना और मुझसे पूछना। बच्चों साथ साथ में आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और विद्यालय भी आइए। जब भी डाउट क्लास होती है तो आप विद्यालय ज़रूर आइए, जो भी डाउट है उसको आप क्लियर करिए। तो इस पाठ के बाद में फिर हम अगले दिन अगला पाठ पढ़ेंगे। तो कार्य करने के साथ साथ आपको याद भी करना है, साथ साथ में याद करोगे
तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो कहानी थी, तो हमने जो इससे शिक्षा ग्रहण करी है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इससे शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में प्रतिदिन नहीं तो कभी तो कोई परोपकार का कार्य अवश्य करें, क्योंकि परोपकार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओके बच्चों।